रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? मैं हूँ मारिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने कुकिंग चैनल मीना कुकिंग चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी बनाना सिखाऊंगी। बड़े गोद की कलेजी बनाना सीखते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे बनती है। 1.5 किलो मैंने कलेजी ली है, 4-5 अदद प्याज लिए हैं, 1 लेमू का रस लिया है, अदरक लहसुन सब्ज मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना लिया है, 1 कप दही ली है, सुरख मिर्च 2 चम्मच ली है, आधा चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच नमक ली है, आधा चम्मच चाट मसाला लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच खुश्क धनिया लिया है और 1 चम्मच ज़ीरा लिया और ऑयल लिया है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। डालेंगे चूल्हे पे, उसमें ऑयल डाल देंगे और इसको नीचे आग जला लेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसे अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। प्याज बहुत ही बारीक कटा होना चाहिए, वरना गलता नहीं है और फिर वो पानी में नज़र आता हुआ बुरा लगता है। प्याज हमारे अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और खुश मसाले सारे डाल देंगे। जीरा डाल देंगे, खुश धनिया डाल देंगे, सुरख मिर्च डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें कलेजी डालेंगे और इसे अच्छी तरह भुनेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, अपना पानी रिलीज करेगी और उसे में भुनना है। छः 7 मिनट हो गए हमें कलेजी को भूनते हुए। अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे और लेमू का रस शामिल कर देंगे और 15 से 20 मिनट इसे और भूनेंगे। ये सिर्फ ढक्कन दे के नहीं पकाना, बल्कि ढक्कन उतार के पकाना है। 15 से 20 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। 20 मिनट हो गए हमें कलेजी को अच्छी तरह भूनते हुए। अब हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार हो गई है पक के। अब इसमें थोड़ा सा सब्ज धनिया छिड़केंगे और इसे दो मिनट और पका लेंगे। दो मिनट हो गए पकते हुए, हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। कलेजी को हमने डिश आउट कर लिया, बहुत ही मज़े की बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।